हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ। वक्त और हालात मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा नाम संजय है और मैं सादरा से आता हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, अपना ठेला लगाता हूँ। पहले तो मैं 10वीं तक सादरा में किया, उसके बाद ओपन से 12th की। 12th करने के बाद फिर मैं जॉब में लग गया। जॉब करने के बाद में फिर मेरे को कुछ लगा कि हाँ थिएटर करना चाहिए। यार दोस्त थे उनके साथ चला गया अस्मिता थिएटर में, 2-4 प्ले देखे मैंने यहाँ श्रीराम सेंटर में जाके मंडी हाउस में, तो अच्छा लगा और उसके चलते फिर मैं थिएटर करने लगा। जाके थिएटर किया और 3-4 प्ले किए थे, एक मंटो के उस पर किया था और मोटे राम का सत्याग्रह, तो कम से कम 25 बार तो मैंने ऑडिशन दे दिए। ऑडिशन देने के बाद 1-2 बार सेलेक्ट भी हुआ, सेलेक्ट होने के बाद फिर रिजेक्ट हुआ। ये 2-4 बार रिजेक्शन में लगा तो फिर मैंने सोचा यार इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो थाने में कुक में जॉब लग गई थी, खाना बनाता था यहाँ पे, खाना बनाते बनाते फिर लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब छूट गई। जॉब छूटने के कारण फिर जो जान पहचान हो गई थी पुलिस वालों से, तो उनमें से कोई एक दोस्त था, उसने बोला कि तुम खाली घूम रहे हो, चलो यहाँ पे तुम्हारा ठिया लगवा देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया, फिर मैं यहाँ पे आया तो बातचीत करी, यहाँ पे काम करना चालू कर दिया। तो 20-25 हज़ार रुपये जो था मेरे पास, मैंने इसमें लगाया, अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अब 4-5 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए। कई ऐसे दोस्त हैं जो टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, और दोस्त ऐसे भी है, एक राजेंद्र ओझा है, तो अभी छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं कई लोग हैं। तो उनको जब देखता हूँ ना भाई, तो मन में लगा क्या अगर मैं इनके साथ में होता अभी तो शायद मुझे भी चांस मिलता और मैं भी जा सकता था। एक्टिंग की बात तो ऐसी है कि अपना काम करते रहता हूँ मैं, संडे अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ ऑडिशन के लिए। वहाँ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इसमें मैं प्रोग्रेस करूँगा, ये नहीं कि यही करता रहूँगा मैं। यहाँ करने के बाद थोड़ा 2-4 साल यहाँ करूँगा, उसके बाद अगर देखूँगा कि हाँ कहीं इससे अच्छा कुछ मिला तो वहाँ लगाऊँगा, वहाँ इन्वेस्ट करूँगा। यहाँ रह के मैं बच्चों का भविष्य नहीं देख सकता।